अक्षरा सिंह तो गई नहीं है उनके पास, उन्होंने इनको बुलाया है। तो ये बड़ी बात है कि एक भोजपुरी के कलाकार को बॉलीवुड से अप्रोच आ रहा है कि आप मेरे यहाँ आइए और हमारी फिल्म को प्रमोशन करिए। हम तो हमेशा खुश रहते हैं, मैं कहाँ कभी सैड रहता हूँ, कभी कभार होता है बट मैं सैड नहीं रहता, मैं हमेशा हंसते अक्षरा रहता जी हूँ का अभी उसको। तो गाने लिख रहा हूँ, कुछ लोकगीत हैं उनका, तो भाई मेरा यही काम ही है, हमारे पास जो भी आएगा तो हमको तो गीत तो लिख। अक्षरा जी का लोकगीत अभी कर रहे हैं, लगभग 6-7 गाने 8 गाने सोशल रिकॉर्ड मीडिया भी पे हो गए देखा हैं। जाए तो कई तरह से लोग इसको पेश कर रहे हैं, अपना अपना नज़रिया है सबका, कोई बुरा भी बोल रहा है। भोजपुरी भोजपुरिया टनाटन के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, बताइए। ये आपके चेहरे पे चमक दिख रही है, इसका राज खोलिए हमें। चमक जो है गांव की गेहूं की रोटी खाते हैं, बस उसी की देन है। नहीं, पिछले तब क्या बोलूं, दिन सोशल मीडिया पे एक आपका फोटो वीडियो कुछ वायरल हुआ है, कहीं उसकी वजह से चेहरे पे चमक तो नहीं है? कौन सा वीडियो? अब इतने अनजान मत बनिए साहब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और हम तो हमेशा खुश रहते हैं, मैं कहाँ कभी सैड रहता हूँ, कभी कभार होता है बट मैं सैड नहीं रहता, मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, मुस्कुराते रहता हूँ। केवल सैड गाने लिखते हैं, सैड रहते नहीं हैं। नहीं सैड के अलावा हर गाने लिखते हैं, मसाले गाने भी लिखते हैं, ज़्यादातर तो मसाले गाने हिट हैं। मेरा कहने का तात्पर्य था कि अक्षरा सिंह जी से आप मिले हैं, उसका राज अच्छा। खोलिए हमें। नहीं अक्षरा जी का अभी तो गाने लिख रहा हूँ, कुछ लोकगीत हैं उनका, तो भाई मेरा यही काम ही है, हमारे पास जो भी आएगा तो हमको तो गीत लिखना ही है। तो अक्षरा जी का लोकगीत अभी कर रहे हैं, लगभग 6-7 गाने 8 गाने रिकॉर्ड भी हो गए हैं, और भी कुछ गाने हैं कुछ कंपनियों के, तो वो सब भी कर रहे हैं। तो बस वही रिकॉर्डिंग वोडिंग चलते रह रहा है, बीच बीच में जब भी उनको समय मिलता है तो डबिंग करती हैं आके। कितने गाने लिखे हैं अक्षरा जी के, कितने गाने शूट हो चुके हैं, कब तक आएंगे दर्शकों के बीच? अब अभी तो फिलहाल बाबा धाम चल रहा है, तो बाबा धाम का सीजन ख़त्म हो जाएगा 11-12 तारीख तक, तो उसके बाद 15 अगस्त के बाद से लोकगीत रिलीज होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब मेरा काम रेडी है, कुछ कुछ गाने और भी तैयार कर रहे हैं, तो वीडियो का भी वो शूट कर रही हैं, और शायद इस समय कोई मूवी शूटिंग चल रही है, तो मूवी के बाद शायद बाकी जो गाने बचे हुए हैं उसके शूट करेंगे। अक्षरा जी ऐसी अभिनेत्री हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हुए हैं उनकी नहीं पहली बार आमिर खान से मिलने वाले व्यक्ति, क्या कहना चाहेंगे बिहार की सैनिक को? अब बस सोशल मीडिया पे देखा जाए तो कई तरह से लोग इसको पेश कर रहे हैं, अपना अपना नज़रिया है सबका, कोई बुरा भी बोल रहा है, कोई अच्छा भी बोल रहा है, कोई कुछ भी, लेकिन मेरे हिसाब से बुरा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। एक भोजपुरी का आर्टिस्ट अगर एक बॉलीवुड के उस इस लेवल पे एक हस्ती के साथ बैठता है कोई, और यहाँ अक्षरा सिंह तो गई नहीं है उनके पास, उन्होंने इनको बुलाया है, तो ये बड़ी बात है कि एक भोजपुरी के कलाकार को बॉलीवुड से अप्रोच आ रहा है कि आप मेरे यहाँ आइए और हमारी फिल्म को प्रमोशन करिए। तो ये हम भोजपुरी इंडस्ट्री वालों को तो गर्व होना चाहिए इस बात पे। कहीं ऐसा तो नहीं एक तरफ लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म आ रही है उसको बायकॉट किया जा रहा है, तो बिहार में पिक्चर को हिट कराने के लिए हथकंडा लाल अपना सिंह लेते हैं? चड्ढा को बाइकॉट करने की बात है तो लाल सिंह चड्ढा को नहीं, पूरे बॉलीवुड को बाइकॉट पब्लिक कर रही है, क्योंकि उस लेवल की फिल्में नहीं बन रही हैं, और बॉलीवुड वालों ने जो जिस तरीके का थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोग अपने संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं, तो इसके चलते बॉलीवुड वालों को लोग आउट कर रहे हैं लोग, और आमिर खान को मुझे लगता है पर्सनली आमिर खान को लोग पॉइंट कर रहे हैं लोग, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे उनके बेटी का जन्मदिन का कुछ फोटो वायरल हुआ था, जो कि बहुत अभद्र टाइप से वो ड्रेस था, तो उस कपड़े को लेके मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के मन में है दिक्कतें, बाकी पर्सनली किसी को नहीं होना चाहिए, और बाकी सब लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी पिक्चर बनाएं मार्केट के लिए जो दर्शकों को पसंद आए। आज़ाद जी,